आज के फाइनल मैच का उद्घाटन करने के लिए हमारे मुख्य अतिथि अशोक कौरी जी, प्रधानाचार्य जी और सभी स्टाफ से अनुरोध है कि मैदान में पहुंचे। तालियों के साथ जोरदार स्वागत। स्वर्ण जयंती खेलकूद प्रतियोगिता में क्रिकेट प्रतियोगिता का कि वो शांति से अपने स्टैंड्स में बैठ जाएं और इस मैच का पूरा लुत्फ उठाए। दर्शकों का सवाल है, पूरा खचाखच भरा हुआ ये स्टेडियम। करीब 32,000 की क्षमता वाला ये स्टेडियम फाइनल मुकाबले के और सेमीफाइनल मुकाबले का जहां तक सवाल है, पहले सेमीफाइनल में सुभाष चंद्र बी टीम ने विश्वेश्वरैया सदन को हराकर पहला सेमीफाइनल मुकाबला जीता था और दूसरे सेमीफाइनल में सुभाष चंद्र ए टीम ने विश्वेश्वरैया ए सदन को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल की आपको दिखाई दे रहे हैं। भैया पीछे विकेट ध्यान रखना। मीणा और दो टीम के कप्तान रविंद्र चौधरी अभी टॉस के लिए सिक्का उछाला जाएगा। देखते हैं सिक्का किसके पाले में गिरता है। टॉस हुआ पूरी तरह से फिट होकर खेले इस फाइनल मुकाबले। सेटिंग कर लो अच्छी तरह सारों के मुंह। दर्शकों से अनुरोध है जहाँ भी स्टैंड मिले जगह मिले बैठ जाए, बाद में यहाँ पे स्टैंड नहीं मिलेंगे आपके लिए, जगह नहीं बचेगी। पूरा खचाखच भरा हुआ है स्टेडियम। मैच की तमाम औपचारिकता पूरी कर ली गई है, मात्र कुछ ही मिनट में यहाँ पे मैच शुरू होगा। ये फाइनल मुकाबला होगा इस क्रिकेट प्रतियोगिता का। आगे मतलब ग्रुप सुरेश कुमार, राधाकृष्ण भादु, नजरुद्दीन, मनीष पारसवाल, आदिल, धारा सिंह, लोकेश शर्मा, नंदर सिंह, इस प्रकार से प्लेइंग 11 है। और जहां तक बी टीम का सवाल है तो उनकी लिस्ट चला, 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 चला।
स्क्वाड्रन के लिए मैं निवेदन करूंगा श्रीमान नवरत्न जी से कि वो स्कोरिंग में और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। बी टीम के खिलाड़ी सर गवर्नमेंट तो 122 तो बता रहे इंजीनियरिंग कॉलेज है, हां पॉलिटेक्निक प्राइवेट में है, गवर्नमेंट में तो अभी भी लिमिटेड है। इंजीनियरिंग कॉलेज गवर्नमेंट में 35 है और इंजीनियरिंग तो 10 12 मेरा भी में तो था। भैया आगे सेट दो यार, उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाला हमारे पॉलिटेक्निक के लिए। मैं चाहूंगा जो और मेरा निवेशक काफी रोमांचित है इस मुकाबले के लिए, मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद किया जाए इस सफल आयोजन के। एक छात्र इधर स्कोर बोर्ड पे आ गए, स्कोर लिख लो और नीचे लिख दो जो रन बनाए ना आउट हो, तो जैसे महेंद्र सिंह। और इस फाइनल मुकाबले में तो आज के इस स्वर्ण जयंती खेलकूद प्रतियोगिता के क्रिकेट फाइनल में अगर सबसे ज्यादा कोई भाग्यशाली व्यक्ति है तो हमारे प्रधाना सलामी बल्लेबाज तालियों के गड़गड़ाहट के बीच मैदान के बीचों बीच पधारते हुए और बी टीम के खिलाड़ी यहाँ पे स्टेटस कि हमारी टीम के छात्रों को और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। भैया हेलो, और यहाँ पे सिंह पहली गेंद लेकर स्पाइनल मुकाबले की शुरुआत लेकर और उनकी ये गेंद शुरुआत में अगले खेलना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले को फेंकाती हुई विकेट कीपर से भी मिस हुई और जब तक थर्ड मैन बैठा और का विकेट इस ओवर की अगली गेंद करते हुए अगली गेंद लेकर खेलना चाहते थे लेकिन बीट दारा सिंह के लिए ये वो लोर के लिए देखते काफी अच्छी और यहाँ पर कीपर द्वारा बॉल को फील्ड किया है एक अगली बॉल लेते हुए और गजेंद्र टू दारा और दारा ने फिर थर्ड मैन की तरफ बॉल को खेल दिया है। एक रन आसानी से मिलेगा दारा सिंह को, रेटो गजेंद्र सिंह अपने सुरेश के लिए और गजेंद्र सिंह ने बॉल की और एक फिर बॉल को छोटा थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर चार रन ये नेशनल चौका कलेक्ट इन इंडिया सुरेश के लिए और ये बॉल फेंकी और ये काफी अच्छी बॉलिंग लेफ्ट साइड पे और यहाँ पर हल्की सी अपील लेकर सुरेश के लिए और यहाँ पे बॉलों को फेंका और ये बॉल प्लेट करती है बहुत ही सूझ भाव के साथ खेलते हैं एम वी दाएं हाथ से और दौड़ इस बार उस गेंद को खूबसूरती के साथ जैसे देखा नजदीक में कोई फील्डर नहीं है हल्के हाथों से अगली गेंद और उस गेंद को खेलना चाहते थे इस बीच अगली गेंद सुभाष सदन एक और धारा सिंह के रूप में पहला विकेट
इसी बीच वहां पे पहली खुराक मिलती हुई सुभाष चंद्र बी सदन बेहतरीन बॉडी लैंग्वेज यहां पे इस ओवर में अगली बार दाएं हाथ से और डेविकेट रन किए गए नए बल्लेबाज नवदीप को खेलना चाहते लेकिन पूरी तरह से बीटे और ये बॉल डाली और तरह बैठी है सर आप प्लीज साइड आइए सर प्लीज और ये रन अप लिया और ये बॉल डाली सीधे एक बार फिर अपील किया और ये वाइड गया सर कुल लेंथ रखनी होगी वाइड का सारा अंपायर डिसीजन हेलो और रविंदर एक बार फिर रन अप के लिए सुने अच्छी गेंद पे अच्छा सम्मान के साथ एक रन चुरा लिया अच्छा इसी के साथ स्कोर की और एक बार फिर रन अप के लिए तैयार रविंदर सिंह का मजा ले रहे हैं अच्छी फील्ड सेट कर रखी है यहाँ पर एक बार फिर रनअप लिया माहौल मैदान में दर्शक झूम उठे हैं एक बार फिर लंबे कदमों के साथ बॉल डाली समाप्ति के ये बॉल उठाकर मारना चाहते थे किया थी बॉल ये बॉल और फिर वही बॉल लेकिन इस बार थोड़ा आराम से खेला उस बॉल को और लेकिन लगातार दूसरी बॉल पर फीट करते हुए इस बार सुरेश को आउट करके पवेलियन के बाहर भेज दिया है कुछ अनमोल पल समय के हमारे लिए निकाले उनका सभी दर्शकों ने ताली बजाकर हार्दिक नए बल्लेबाज सुभाष सदन एक ही तरफ से काफी अच्छे बल्लेबाज है जतिन बीकानेर क्रिकेट के डिस्ट्रिक्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल से खेलते हैं ये जतिन और रेलवे ग्राउंड से यहाँ दर्शक काफी खुश है इनके बैटिंग स्टाइल से और इन्हें केविन पीटरसन की उपाधि दे चुके हैं कि ये केविन पीटरसन की तरह खेलते हैं ये बॉल अशोक मीणा भरी गली थी यहाँ धूल भरी आंधियों के बीच में छक्कों की आंधियां ले आए थे ये तीन आतिशी छक्के लगाए थे इन्होंने और इसी बीच अशोक मीणा अपने ओवर की अगली बॉल के साथ नो बॉल बहुत ही अच्छी बॉल ये बॉल बहुत ही अच्छी बॉल थी उसे बिल्कुल धीरे से खेलकर एक बार फिर एक और रन लिया तो काफी अच्छा स्कोर माना जाता है इस पिच पर ये सॉरी थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ स्कोरर और 94 तो जो 95 का टारगेट है वो सुभाष सदन बी के लिए देखते हैं वो पूरा कर पाते हैं या नहीं कर पाते इसके लिए धन्यवाद अशोक लंच ब्रेक के बाद मैच एक बार फिर शुरू होता हुआ फर्स्ट विकेट पहले बल्लेबाजी करते हुए 94 रन 15 ओवर में बनाए और उसके जवाब में मैच के बाद वितरित की जाएगी तो सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि कहीं जाए नहीं और उस चावल को जरूर खाकर जाए उस घीर को सुभाष सदन बी के द्वारा फील्डिंग की सॉरी ए के द्वारा अरे रुक रहे बोला राजन और महेंद्र सिंह खेल अब से Thank you.
थर्ड मैन पर थोड़ा ऊपर गुरुदत्त, सॉरी फाइनल लेग, थर्ड मैन पर नवदीप चल खड़े एसपी फाइव का टारगेट आजाद सदन पी के सामने, सॉरी सुभाष सदन पी के सामने रखा है। करम सिंह बिल्कुल तैयार और लंबे ऊंचे कद के तेज गेंदबाज आजाद मीना और उनका विकेट गेंद करेंगे आजाद मीना। उनकी पहली गेंद राजा सिंह की गेंद और की अगली गेंद के साथ जोरदार अपील, लेकिन कोई इशारा नहीं वहां पर एम्पायर का अपने ओवर की अगली गेंद के साथ। राइट हैंड ओवर का विकेट एम्पायर को क्रॉस टाइम की ये बॉल लेग स्टंप के बाहर अपने ओवर की अगली गेंद के साथ। उनकी ये गेंद राजन के लिए काफी अच्छी गेंद अपनी गेंद फेंकने के लिए प्यार एक बार नवदीप प्लेसमेंट नहीं आई एक बार फिर अच्छा रन। अब छोटे छोटे कदमों से और ये बॉल डाले और ये छोटे छोटे कदमों से और राजन के लिए बॉल डाले राजन अच्छा फिर से करके अच्छे रन अप के साथ और ये बॉल डाली और ये अच्छी बॉल अच्छा बैठ गया हल्के बैठ के द्वारा सदन और सदन बी का पहला झटका लगा एलपीडब्ल्यू आउट हो गए जीरो रन के स्कोर पर। नौ रन का स्कोर हो गया यहां पर स्कोरर टीम विक्रम स्कोर हमारे मैं तो मनोज सा करूं एक बार फिर बॉल डाली अच्छा सामान ऑस्ट्रेलैंड से ये बॉल राजन के लिए बहुत ही अच्छी बॉल थी बीट किया राजन ये बॉल राजन के लिए और उछलती हुई बॉल और हेलमेट पर लगी वहां राजन बहुत ही चतुराई से विकेट कीपिंग की यहां जतिन कुमार ने बहुत ही चतुराई से और इसी के साथ बल्लेबाज निराश हताश हैरान परेशान सब कुछ गेंदबाजी की थी आज यहाँ पहले विनय कुमार नए बल्लेबाज की बॉल आए तो सर विनय है तो बहुत ही अच्छी बॉल उसे बैट से भरने भर दिया बहुत ही अच्छा कैच किया हुआ आजाद मीना ने और विनय कुमार आउट तो अब थोड़ा मुश्किल नजर आता हुआ ये 95 का स्कोर लेकिन नामुमकिन नहीं बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी अभी इनके पास शेल्फ कैप्टन उसके बाद रविंदर चौधरी करियर की टी शर्ट के साथ डॉक्टर रियाज खान बहुत ही अच्छी बॉल थी उसे धीमे से खेला रन लेना चाहते थे लेकिन बॉल पर फिर राधाकृष्ण पाटी कैमरा मैन 18 तीन विकेट के नुकसान पर ये बॉल नवदीप सिंह की एक चौका और बहुत अच्छी बॉल खेलना चाहते थे यॉर्कर लेंथ की बॉल नवदीप सिंह की और उसे पूरी तरह से रोक दिया डांट दिया नवदीप सिंह ने प्रगति पर ये बॉल नवदीप सिंह की राजन के लिए बहुत अच्छी बॉल थी और उसे सम्मान दिया पूरी तरह से रोक दिया वही बिल्कुल तो चार ओवर की समाप्ति पर 18 रन और राजन जिन्होंने की 7 रन बना लिए हैं और अब फिर एक बार फिर ओवर लेकर आए राधा कृष्ण पाटी तो छोटे गद के खिलाड़ी हमेशा साथ खेलते हैं और इसी बीच सरदार जी जो भी जिस भी टीम की सपोर्ट करते हैं हमेशा मेरी बैटिंग देखने आते हैं और मेरे को हरा कर जाते हैं तो मेरी कमेंट्री की बैटिंग करने आए तभी तो मेरे को झाड़ पड़ गई लेकिन आपकी गलती नहीं है कोई भी गलती नहीं आपकी बहुत अच्छे उठ रहे हैं राधा किशोर बादू असाइज मिलेंगे भैया पूरी रात इंडिया का मैच देखा कि कैसे शॉर्ट कर लगाऊ मैं और लास्ट में जो डुप्लीसिस इंग्लिश जैसी भी है और ये बॉल बहुत ही अच्छी बॉल धीमे से खेला अफ्रीका के बल्लेबाज के छक्के देखकर मायूस हो गए थे
और आते आप ये बात बहुत अच्छी बॉल और इतना ही अच्छा खेला उस बॉल को, पूरी तरह से आंखें जमाने की कोशिश राजन के द्वारा और यही तकनीकी यूज की जानी चाहिए बीच मैदान पर, क्योंकि और बढ़ता हुआ स्कोर 19 तीन विकेट के नुकसान पर अशोक बहुत ही अच्छी बॉल खेलना चाहते हैं मिल जाते हैं हमें बहुत ही अच्छी बॉल थी ऑफ स्टंप से बैट और ये बॉल फुल टॉस बॉल रविंदर के लिए ये सॉन्ग हमारे साथी मनोज कुमार के द्वारा, काफी अच्छे दोस्त है मनोज रविंदर बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी रविंदर के द्वारा बहुत ही अच्छी स्कोर 50 से मात्र 50 रन मात्र 50 और अपना शतक से तो बिल्कुल 100 ही रन चूक गए थे, ये बॉल खेलना चाहते थे और तेजी से ये बॉल बहुत ही अच्छी बॉल थी उसे धीमे से खेला एक और रन रिंकू के द्वारा और ऑफ स्टंप से बॉल और महेंद्र ने उठाना चाहा उस बॉल को, कोई फील्डर मौजूद नहीं लेकिन महेंद्र सिंह के लिए काफी अच्छे बॉलर है राधा कृष्ण ऊंचे लंबे भारी भरकम शरीर है राधा कृष्ण बादू का, ये बॉल और महेंद्र सिंह खड़े टक्कर मारा बॉल को उतना ही शानदार खेला उसे गैप में बॉल के पास है गुरु दत्त और गुरु दत्त का ऊंचा लंबा थ्रो बहुत ही घटिया थ्रो तो महेंद्र सिंह जी चल पड़े, तो ये काफी बदकिस्मती कहा जा सकता है सुभाष सदन ताकि आगे फिर कभी फाइनल हो कोई को ना हो ना बुलाओ कोई ये बात ऐसी तो ये हो और सर्राते कृष्ण ने बॉल को और 15 तारीख से ही है जोर का टच का धीरे से तो ये बॉल बहुत अच्छी बॉल थी तो अब जिंदगी और आज पीछे हट गए थे रिंकू पूरी तरह से थी और रिंकू के लिए रिंकू के लिए अरे रिंकू ने खेला उस बॉल को सीधा और गजेंद्र सिंह आउट रन आउट तो आज जीत की ओर है बड़े खुश हुए वो तो ऐसे बैठे हैं जैसे नहीं कुछ बोलना नहीं चाहता हो सकता है वो इसी तरह खुशी मनाते हो अपनी 60-8 तो अब स्कोर है 60-8 लोकेश का ये बता देना चाहता हूँ कि एक दिवसीय मैच में पहला कैच है, इससे पहले उन्होंने कभी कैच नहीं पकड़ा हमेशा कैच को छोड़ा ही था और आज कैच पकड़ कर काफी खुश लेकिन बहुत ही अच्छे टाइम पर कैच पकड़ा इन्होंने ये रिंकू के लिए कि टिकटें और मंगा ली गई है आप टिकटों की चिंता मत कीजिए टिकटें मिल जाएगी क्योंकि इसके बाद में सबसे तूफानी मैच है कर्मा बाई और लक्ष्मी बाई सदन के बीच में गोस्वामी सब देखने को मिलेगी और खेलना चाहते लेकिन तू के पूरी तरह से बहुत अच्छी बॉल थी टीम जीती है ये बात बहुत अच्छी बॉल थी खेला धीरे से खेला उसे नहीं जो खेलने वाले हैं और बंद कर दिया काम नक्की सुभाष सदन ने इस फाइनल मैच को जीत लिया है और बहुत ही अच्छा मैच देखने को मिला यहाँ दोनों ही टीमें एक ही सदन की फाइनल में पहुंची
पहले खेलते हुए सुभाष से कहना चाहता हूँ कि कमेंट्री के लिए जग्गू और स्कोरिंग के लिए विक्रम सिंह का नेर और अंपायर उधर थोड़ा उस तरफ हो जाओ ना उधर किसको थोड़ा उस तरफ किसको खुशबू घड़ी ऐसे बैठी वो नरेश का रिलेटिव है आप नरेश क्या लगते हैं आप क्या लगते हैं आपको इतने टाइम से मिल रहा है ये नरेश पर आपके सालों तो मिलते ही रहते हैं और आदेश महोदय पधार चुके हैं यहाँ मनाने जा रहा है इस वार्षिक उत्सव में आप सभी का स्वागत है किसी भी कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए
हम इष्ट देव को याद करते हैं, उसी क्रम में माँ सरस्वती को याद कर नमन कर इस कलाक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं हमारे बीच मौजूद अतिथि महोदय मुख्य अतिथि श्री गौरी शंकर जी शर्मा और विशिष्ट अतिथि श्री पी एन त्रिवेदी साहब, आपको और हमारे विभागाध्यक्ष श्री एस आर दैया साहब, आज़ादी का नया नया स्वाद चखा था और उस समय आज़ादी की उमंगों के बीच भारत के सभी विद्यार्थी एक नई उमंग के साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। भारत जिसमें राजस्थान भी अब एक इंजीनियरिंग क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ और वो राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के रूप में सृजित हुआ। पिछले कुछ वर्षों से वार्षिकोत्सव लगातार मनाया जा रहा और ये नींव हमारे संस्था के प्रधानाचार्य जो रीति नीति है उसके अनुसार इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ स्वागत के इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री जयशंकर जी पुरोहित श्री आग्रह कि आप भी श्री पी एन त्रिवेदी साहब को सांसवा महीना का स्वागत करें। एक मिनट हाथ लगाइए सर। हाँ जी थैंक यू। अपने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने में आपकी तालियों की गड़गड़ाहट बहुत ही जरूरी है। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री कपिल जी जैन राठौर साहब आग्रह करता हूँ कि आप भी मंजर से आए और श्री पी एन त्रिवेदी साहब का स्वागत करें। श्री डॉक्टर एस एल प्रजापत आप भी पधारे और हमारे हमारे कॉलेज की छात्रा नाजिश राकेश और रुचि उनको आमंत्रित करता हूँ कि आप माँ सरस्वती की वंदना कर इस कार्यक्रम को मूर्त रूप दें। Oh,
के अंदर से प्रारंभ हुआ, सिविल, साथ में बिल्डिंग का विकास भी हुआ और इसके बाद में लगातार ये कॉलेज प्रोग्रेस करता रहा। इस कॉलेज की प्रोग्रेस के बाद यहाँ पर जो रिजल्ट अपने को प्राप्त हुए, जो छात्रों ने यहाँ पर जो रिजल्ट दिए, इसके अनुसार यहाँ के जितने भी विद्यार्थी हैं जो यहाँ से पास आउट हुए थे, ये सब के सब उच्च पदों पे आसीन हैं। इनका मैं विवरण देना चाहूँगा कि जो अपने 9, 10, 10, 11 के जो रिजल्ट हैं वो किस प्रकार हैं। वर्ष 2009-10 में इस रिजल्ट का परीक्षा प्रांगण अनुसार सिविल, नियमित और ऐसा सहित 88%, यांत्रिक 84%, विद्युत नियमित 82%, इलेक्ट्रॉनिक नियमित 68%। बस 2009-10 के अंदर प्रायोगिक शिक्षा मंडल राजस्थान जोधपुर द्वारा आयोजित परीक्षा में इस महाविद्यालय में निम्नलिखित छात्रों ने स्थान राम न्यास सैनी चतुर्थ स्थान, प्रियंका विस्मय अंतर स्थान, विनोद गोयल अष्टम स्थान, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जावेद खान प्रथम स्थान, यांत्रिक के अंदर पूर्ण बागोलिया ने 10वां स्थान प्राप्त किया था। वर्तमान में शिक्षण कार्य को मद्देनजर रखते हुए 1910 इकाई के परीक्षाओं में छात्र व छात्राओं में मेरिटों आने की अच्छी संभावना है। छात्रों के अध्यापन के साथ साथ संस्था में NCC जिसने इस प्रतियोगिता में भाग लिया अधिकतम स्थान प्राप्त किया। शैक्षणिक कार्यों के साथ साथ प्रत्येक वर्ष छात्रों की खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है व प्रत्येक वर्ष वार्षिक उत्सव का भी आयोजन किया जा रहा है। वर्ष 2009-10 व 2010-11 के कैंपस इंटर की जो रिपोर्ट है वो बहुत ही अच्छी है। इसके अनुसार TRSI के माध्यम से 9-10 व 10-11 में कुल 23 कैंपस इंटरव्यू आयोजित हुए, जिसमें मल्टी नेशनल कंपनी की जो कंपनियां हैं उसमें कैंपस डिस्कस कराए गए। इंटरव्यू के दौरान इस महाविद्यालय के सिविल के 27 छात्र, यांत्रिक के 90 छात्र, विद्युत के 42 छात्र, इलेक्ट्रॉनिक्स के 9 छात्र करते छात्रावास में निर्धारित छात्र हेतु नए टेबल, अलमारियां व खुशियां क्रिय किया गया तथा छात्रों को वितरण भी कर दिया गया। संस्था के सभी विभागों कार्यों को इंटरनेट से जोड़ा गया। महाविद्यालय को कंप्यूटर सूट तैयार है, इस हेतु फर्नीचर का क्रय कर दिया गया है। इस महाविद्यालय में हो रहे विकास कार्यों से शैक्षणिक कार्यों व प्लेसमेंट कार्यों से मजबूत में है। फिजिकली वो जोधपुर में लेकिन दिल से वो अपने साथ में है। सभी ताली बजा करके उनका महाविद्यालय भी बहुत प्रोग्रेस की है और आगे भी करेंगी। जय हिंद। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, हम ठोर ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पाँव। आपने जब यहाँ निश्चय कर लिया कि ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए तो हो रहे। अब इस शाम को रंगीन करने के लिए हमारे विद्यार्थी न्यू कमर्स एंड एंकर्स के रूप में आ रहे हैं। यंग एंकर राजन मोहित। Teachers, respected principals, and guests to our annual function as we are celebrating the golden jubilee of our college. फूलों मुबारक हो, तारों को चांद मुबारक हो, हमारी ओर से आप सभी को ये अजीम शाम मुबारक हो। Our teachers left like that we all know that the college is chosen as the best for next college, not only in Rajasthan region, but in northern India, which includes many states like UP, Punjab, Haryana, etc. All this under a great visionary, a principal sir, Mr. Pushottam Sahni. महाविद्यालय की सबसे टैलेंटेड डांसर कौशल। Thank you.
और उत्थान करने वाला, ऐसा ही नहीं लेकर आ रही है कौशल, राजेश और कविता। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए उनका।
देखो यहाँ बहुत सुनी बारिश गिरा है।